तो बेटा हमारा टॉपिक क्या चल रहा था, इंटीजर्स। और इंटीजर्स में हम यस लोग डाउट्स कर रहे थे फ्रॉम पियर्सन, ठीक है। तो अभी बाकी के जो बचे हुए डाउट्स हैं वो ले लेते हैं, है ना। ठीक, तो कौन कौन से डाउट अभी रह गए थे उनको देख लेते हैं। जैसे 9, 10, 10 क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग कर लेते हैं अभी यहाँ पर। कॉम्पियर्सन, क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 5/9। ठीक है, हमको गिवन है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, तो उसको हम लिख लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ। क्वेश्चन नंबर ये हम कर रहे हैं 10, जिसमें हमको गिवन है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। नाइन अपॉन 5/9, इफ वन ऑफ द नंबर इज, उनमें से एक नंबर हमें गिना है, गिवन है वन नंबर, जिसमें से कि एक नंबर जो है वो है हमारा -8/23, तो फाइंड द अदर, तो अदर नंबर बताना है। तो इसको बेटा हम ना दो तरीके से कर सकते हैं। देखो, जो एक सिंपल तरीका है, दोनों ही वैसे बहुत सिंपल है, दोनों ही मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, आप बहुत ध्यान से देखना। तो हमको सेकंड नंबर पूछा है, ये हमारा समर बच्चे का डाउट था, समर जो बच्चा है उसका डाउट है। तो इसमें सेकंड नंबर बताने के लिए देखो, सबसे पहले तो एक जो स्कूल मेथड है उसको हम करते हैं, लेट सेकंड नंबर, तो ये हमारा फर्स्ट नंबर था जो हमें गिवन है, एंड ये हम यहाँ पे लेट करेंगे सेकंड नंबर, यहाँ पे ये हमारा फर्स्ट नंबर था, तो सेकंड नंबर हमने यहाँ पे लेट किया एक्स। ठीक, अभी ये हमको प्रोडक्ट गिवन है, प्रोडक्ट प्रोडक्ट मतलब होता है बेटा मल्टीप्लाई, तो फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर की हमें प्रोडक्ट गिवन है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, और बोथ नंबर इक्वल्स टू 5/9। ठीक है, ये हमें प्रोडक्ट गिवन है। नाउ प्रोडक्ट मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो दोनों नंबर की हमें यहाँ पे करनी है मल्टीप्लाई, एंड इक्वल्स टू रख देना उसको 5/9 के। अब यहाँ से हमें सेकेंड नंबर निकालने के लिए जस्ट हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो एक्स की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक्स को एज इट इज़ रहने देंगे, एंड जो राइट हैंड साइड वैल्यू है वो भी एज इट इज़ रहेगी। एक्स के साथ जो वैल्यू इन टू में है, मतलब जैसे 8 इन टू में है, तो वो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होके वो चला जाएगा अपॉन में, और अपॉन में भी वो जिस वैल्यू के साथ जाएगा उसके साथ उसकी इन टू ही होनी है। ठीक है, ऐसी 21 जो है वो डिनोमिनेटर में है एक्स के साथ, तो जो डिनोमिनेटर में है वो चला जाता है ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लीकेशन में। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कहते हैं इसको। ये तब होता है जब जिस वैल्यू को हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, और या फिर जिस वैल्यू की हम वैल्यू निकाल रहे हैं, जिस नंबर की, अननोन नंबर की हम वैल्यू निकाल रहे हैं, वो नंबर उसके साथ मल्टीप्लीकेशन में हो, ये तभी होता है। ठीक है, यहाँ पे देखो हम देख पा रहे हैं -8/21 एक्स के साथ मल्टीप्लीकेशन में है, तो अगर मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी है तो मुझे 8 को भेजना पड़ेगा नीचे डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई में, एंड 21 को भेजना पड़ेगा ऊपर न्यूमिरेटर के साथ मल्टीप्लाई में। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कहते हैं। ठीक है, नाउ हम एक्स की वैल्यू बता रहे हैं यहाँ पर, साथ साथ आप नोट डाउन भी करते हुए चलना। तो हमने 3 से काटा, 3 9 ज़ा 3 3 ज़ा 9, एंड 3 7 ज़ा 7 5 ज़ा 35, एंड नीचे 3 8 ज़ा 24। ठीक है, 3 प्लस का है, 8 माइनस का है, तो प्लस माइनस
माइनस का साइन आ जाएगा। आप इस माइनस के साइन को ऊपर भी भेज सकते हैं, ठीक है। ऊपर 35 माइनस प्लस का है, नीचे का माइनस का साइन उसके साथ आएगा, तो प्लस माइनस माइनस, तो 35 हो जाएगा माइनस का और अपॉन में रह जाएगा 24। तो सेकेंड नंबर हमारे पास आ चुका है, सेकेंड नंबर इक्वल्स टू माइनस 35 अपॉन 24। ये हमारे पास सेकेंड नंबर आ चुका है, ठीक है। अब देखो बेटा, इसको ना एक सिंपल तरीका है, उससे भी हम कर सकते हैं, ठीक। अब उससे करने के लिए क्या करेंगे, जैसे क्वेश्चन बिल्कुल सेम, सारी चीज़ें एज इट इज़ रहेगी, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर हमको गिवन है, लिख लेते हैं इसको दोबारा से। ये अल्टरनेटिव मेथड है, आप इससे भी कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है। जो आपको सही लगे आप उससे कर लीजिएगा, मैंने दोनों मेथड बता दिए। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स ये हमें गिवन था, सेकेंड नंबर हमसे पूछा था, तो हम डायरेक्टली लिखेंगे सेकेंड नंबर इक्वल्स टू, और हाँ फर्स्ट नंबर भी हमें गिवन है, पहले उसको भी लिख लेते हैं हम। फर्स्ट नंबर हमें गिवन है माइनस 8 अपॉन 21। तो सेकेंड नंबर डायरेक्टली बताने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सेकेंड नंबर हमें बताना है तो जो हमारा प्रोडक्ट है ना उसको डायरेक्टली डिवाइड कर देते हैं फर्स्ट नंबर से, ठीक है। अब ये रिजल्ट पे हम कैसे पहुँचे, देखो हम इसको ना एक बहुत छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पर आपको एग्जांपल लिख के दिखाता हूँ। जैसे हमको बोला गया बेटा कि टू नंबर्स है जिनकी मल्टीप्लाई करने पे 4 और 5, वो दो नंबर थे, मल्टीप्लाई करने पे 20 आ गया। सपोज़ उसमें से मुझे एक नंबर नहीं दिया होता, जैसे 5 नहीं दिया होता, तो 4 × मैं इसकी जगह x लेता और इक्वल्स टू 20। फिर मैं x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करता, जो 20 इनकी जो प्रोडक्ट थी उसको फर्स्ट नंबर से डिवाइड कर देता, यही तो करता, ये 4 अपॉन में तो जाता। तो हम इतनी सारी प्रोसेस ना करके इस प्रोसेस को हम यहाँ पर स्किप कर देते हैं। तो सीधा हम अगर सेकेंड नंबर निकालना चाहते हैं और हमें प्रोडक्ट गिविन है, तो फर्स्ट नंबर से उस प्रोडक्ट को डिवाइड कर देंगे, या फिर फर्स्ट नंबर हम निकालना चाहते हैं, सेकेंड नंबर हमें गिविन है, तो भी हम सेम करते हैं, ठीक। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे उसको हम आगे देखते हैं। 5/9 एज इट इज़ रहेगा, डिवाइड का बना देंगे मल्टीप्लाई एंड पीछे वाली वैल्यू को रेसिप्रोकल कर देंगे। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं बिल्कुल सेम वही आउटकम आया जो यहाँ पर इधर आया था, ठीक है। इससे क्या हुआ, हमारे स्टेप्स बच गए थोड़े बहुत, ठीक है। तो ये भी वही तरीका है, बिल्कुल सेम, बस यहाँ पर हम ये पूरा लेट वाली और फिर उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और उसके बाद सॉल्यूशन, इस स्टेप को स्किप कर देते हैं, ठीक है। तो आप चाहो तो दोनों में से किसी से भी कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। नाउ हम अगले क्वेश्चन पे जा रहे हैं, वी आर मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये इसका अल्टरनेटिव मेथड था, आप दोनों में से किसी को भी कर सकते हो, ठीक है। एंड आई होप आप सबने नोट डाउन कर लिया होगा। हाँ बेटा समर सर, आप YouTube चैनल का लिंक भेज दीजिएगा। ओके बेटा, ओके। तो ये आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11। व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ दिस एंड दिस टू गेट -7/3/7। तो ये हमको बोला गया है क्वेश्चन नंबर 11 में कि प्रोडक्ट ऑफ 2/7 एंड 3/7 में से क्या सब्ट्रैक्ट करें कि -3/7 आ जाए, ठीक है। तो सबसे पहले हमें बोला गया है दो नंबर्स, यहाँ पे टू नंबर्स हमें गिवन है, तो उनकी हम लोग कर लेते हैं प्रोडक्ट। तो सबसे पहले हम लिखते हैं प्रोडक्ट, और यहाँ पे जो हमें नंबर्स गिवन है, प्रोडक्ट इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर हमें गिवन है 2/7, एंड जो अनदर नंबर हमें गिवन है वो है 3/8। तो इनके हम प्रोडक्ट करते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास 6, या फिर इसको थोड़ा सा सॉल्व भी कर लेते हैं, 2 × 2, 2 × 2, 4। ऊपर नीचे कट सकता है अगर बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है, ठीक है। अगर बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है तो हम ऊपर वाली वैल्यू से, मतलब न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर को काट सकते हैं। अब बचा हमारे पास 3 × 3 एंड 7 × 4 = 28। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट आ चुकी है, और इसने हमसे बोला था कि प्रोडक्ट में से क्या सब्ट्रैक्ट करें कि आंसर जो है टू गेट 7 − 3/7, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं लेट नंबर बी सब्ट्रैक्टेड, लेट नंबर
बी सब्ट्रैक्टेड, तो लेट नंबर बी सब्ट्रैक्टेड वो हमने ले लिया x, तो 3/28 में से मैं x को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो हमारे पास टू गेट मतलब इक्वल्स टू लगाएंगे एंड कितना दिया हुआ है -3/7। नाउ हमें x निकालना है, तो बेटा मैंने बताया था अगर मल्टीप्लाई का साइन होता है तो ये वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में जाती है, बट यहाँ पे तो माइनस का साइन है, तो अगर यहाँ पे माइनस का साइन होता है तो इस वैल्यू को हम उठा के राइट हैंड साइड जब लेके आएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। जैसे ये वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो राइट हैंड साइड लाने पर ये वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। जैसे 3/28 के आगे कोई साइन नहीं है तो ये पॉजिटिव है, तो जब इसको मैं इक्वल्स टू को क्रॉस करते हैं जब भी हम लोग, है ना, इक्वल्स टू को कब, जब बीच में प्लस माइनस का साइन हो, इक्वल्स टू को तब ऐसे हम क्रॉस करते हैं तो जो भी वैल्यू को हम शिफ्ट करते हैं दूसरी तरफ उसका साइन चेंज हो जाता है। अगर वो प्लस की है तो माइनस की हो जाएगी एंड माइनस की है तो प्लस की। नाउ यहाँ पे सारे साइन एज इट इज़, हाँ इसका जो साइन है ना वो हम इसके इधर की तरफ देखेंगे ना कि इधर की तरफ, ठीक है, ये नहीं इधर की तरफ साइन देखा जाएगा, ठीक। नाउ इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे 7 and 28 का, तो 7 and 28 का एलसीएम आ गया 28, ऊपर वाली वैल्यूज को एज इट इज रखेंगे, ठीक है, 7 के डेल में 28 4 बार में एंड 28 के डेल में 28 1 बार में, ठीक। नाउ माइनस एक्स इक्वल्स टू, ये आ गया हमारे पास -12 and -3/28, ठीक है। उसके बाद माइनस एक्स इक्वल्स टू -12, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो 12 और 3 हो जाएगा माइनस का 15, क्योंकि 12 की जो एब्सोल्यूट वैल्यू है, एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब वैल्यू विदाउट साइन, वो ज़्यादा है -3 से, तो जो भी उसके आगे साइन है जिसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ज़्यादा होती है उसके आगे जो भी साइन होता है वो हमारे आंसर में लग जाता है, ठीक है। तो ये हो गया -15/28, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 15/28। तो सेकंड नंबर, ये नंबर भी सब्ट्रैक्टेड आ जाएगा हमारे पास, नंबर बी सब्ट्रैक्टेड जिसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है वो आ गया हमारे पास नंबर बी सब्ट्रैक्टेड इक्वल्स टू 15/28। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, मैसेज भेजा है, मैसेज पढ़ लेते हैं। सर आपका फ्राइडे को मुझे मीटिंग का रिजॉइन करने का कहा था, हाँ बेटा वो मैं बताऊंगा आपको, ओके, कोई भी अगर डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा, इसको नोट डाउन कर लीजिए सब। तो आगे हम देखते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 12 तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया था, क्वेश्चन नंबर 13 को हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 डाउट लिस्ट में है, तो नाउ वी आर गोइंग टू डू क्वेश्चन नंबर 13। बोला 3/4 कप ऑफ ए वाटर इज रिक्वायर्ड टू मेक ए कप ऑफ टी, मतलब एक कप चाय बनाने के लिए हमको 3/4 कप ऑफ वाटर की ज़रूरत है, मतलब वाटर का जो लेवल है वो कप में 3/4 होना चाहिए, मतलब उसका 3/4 फिल होना चाहिए कप का, वो भी अभी आपको एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। फाइंड द टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर 24 कप्स ऑफ टी, तो 24 कप्स ऑफ टी बनाने के लिए कितना पानी की हमको ज़रूरत पड़ेगी ये हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले हम एक कप ऑफ इसको समझ लेते हैं, इसका मतलब है क्या, ठीक है। जैसे बेटा यहाँ पे आप देख पाओगे, मैं अभी एक फिगर बनाने वाला हूँ गिलास की, ठीक है। ये एक ग्लास की फिगर है,
ठीक है ना, आप लोग इसको देख पा रहे होंगे बिल्कुल क्लियरली। नाउ बेटा इसने बोला जैसे 3/4 कप ऑफ वाटर, तो 3/4 कप ऑफ वाटर माने क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? तो इसमें देखो बेटा क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले जैसे ये बेटा हमारे पास कप था या ग्लास था, इसमें पानी भरा हुआ है 3/4। इस स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ? जैसे अगर हम इसको 4 पार्ट में डिवाइड करें, 1 ये वाला हो गया, 2 ये, 3 ये वाला, एंड नीचे 4, तो इसके 4 पार्ट्स हो गए, यहाँ पे 4 सेक्शंस हो गए, मतलब यहाँ तक, ठीक है, 4 सेक्शंस में हमने इसको डिवाइड कर दिया। अब हम यहाँ पे समझ रहे हैं 3/4 का मतलब होता क्या है एक्चुअली, ठीक है, वरना देखो क्वेश्चन को तो मैं सीधा मल्टीप्लाई करूँगा आंसर आ जाएगा, बट बेटा हमको ना हर एक चीज़ को समझना है, हमें कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक है, केवल मल्टीप्लाई डिवाइड ये चीज़ नहीं समझनी, ये तो आपको आता ही है, ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट भी समझना है साथ साथ। तो यहाँ पर देखो बेटा 3/4 माने एक्चुअली में होता क्या है, ठीक, जैसे मैं इसके अंदर ये पानी भर रहा हूँ, सोचो कि ये मैंगो शेक है, पानी नहीं मैंगो शेक है, ठीक है। अब ये 3/4 माने क्या हुआ बेटा, कि जैसे इसके 4 सेक्शन थे, ये नीचे वाली जो वैल्यू होती है ना, ये रिप्रेजेंट करती है टोटल सेक्शंस को, टोटल पार्ट्स या टोटल सेक्शंस, ठीक है, टोटल पार्ट्स, तो ये टोटल पार्ट्स को रिप्रेजेंट कर रही है जैसे नीचे वाली वैल्यू, तो ये बोला गया है 3/4 मतलब 4 में से 3 पार्ट्स उसके भरे हुए हैं, 3/4 मतलब हो गया कि 4 में से उसके 3 सेक्शंस भरे हुए हैं, 3 पार्ट्स भरे हुए हैं। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं इसके 4 पार्ट थे, 1 first, ये 2nd, ये 3rd एंड ये 4th। तो इस लाइन का या इस स्टेटमेंट का मतलब ये हुआ कि इसके 1, 2, 3, 4 पार्ट में से 3 पार्ट भरे हैं, तो आप भी देख पा रहे होंगे 3 पार्ट्स इसके भरे हुए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम किसी भी चीज़ को अगर सेक्शन में डिवाइड करें, जैसे अगर इसमें बोला जाता 1/5, तो हम इसके 5 सेक्शंस कर देते, ठीक है ना, 5 सेक्शन, 1 सेक्शन और ऐड कर देते इधर की तरफ, तो 1/5 मतलब कि 5 पार्ट्स में से उसका 1 पार्ट मतलब 1 सेक्शन भरा हुआ है, फिल है, ठीक है। नाउ अभी हम आगे क्या करेंगे, अब आगे हम देखते हैं इसमें, ये तो हमने उस चीज़ को समझ लिया वो जो स्टेटमेंट में लिखा हुआ था, इसके बाद हम यहाँ पे देख पाएंगे कि बोला है कि बेटा 3/4 कप ऑफ वाटर इज़ रिक्वायर्ड टू मेक ए कप ऑफ टी, मतलब कि पानी को अगर एक ग्लास हमें चाय बनानी है तो हमें 3/4 पानी लेना पड़ेगा, तो 32 कप्स ऑफ टी बनाने के लिए कितना लेना पड़ेगा, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ ज़्यादा इसमें कुछ था नहीं, वाटर रिक्वायर्ड फॉर 1 कप टी, 1 कप चाय बनाने के लिए, तो 1 कप चाय बनाने के लिए कितने पानी की ज़रूरत है, 3/4, ठीक है। आगे वाटर रिक्वायर्ड फॉर 32 कप ऑफ टी, 32 कप टी बनाने के लिए कितने पानी की ज़रूरत हो जाएगी, 1 के लिए 3/4 है, तो 32 के लिए कितनी हो जाएगी, 3/4 × 32, तो 4 से ही हमने काटा, 4 × 1 = 4, 4 × 8 = 32 एंड 3 × 8 = 24, तो आंसर कितना हो जाएगा बेटा, 24। तो मैंने आपको यहाँ पे एक एक चीज़ क्लियर कर दी कि 3/4 का मतलब क्या होता है, बट मेन चीज़ है ना, देखो हमें हर एक चीज़ को समझना है बेटा, ये तो कोई भी बता देगा कि 1 कप का अगर हमें ये दिया हुआ है तो 32 का निकालने के लिए ऑब्वियसली मल्टीप्लाई ही करेंगे, बट इम्पॉर्टेंट इज, ठीक है, इम्पॉर्टेंट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस 3/4, ठीक है। तो हम यहाँ पे हर एक चीज़ को कॉन्सेप्चुअली समझ के चलेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर कौन सा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 के बाद 13 हो गया, 14, नाउ वी आर गोइंग टू डू क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 इज द कॉस्ट ऑफ 3 whole 1/2 kg शुगर इज 119, ठीक है। तो हमको कॉस्ट गिवन है, तो कॉस्ट ये सीधा इसको स्टेटमेंट को हम अपने, जरूरी नहीं है बिल्कुल हम कॉपी पेस्ट करें, अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं, कॉस्ट ऑफ
थ्री होल 1/2 केजी शुगर, ठीक है। तो इसकी कॉस्ट हमको गिवन थी 119 रुपी। नाउ आगे बोला द फाइंड द कॉस्ट ऑफ वन होल, तो हमसे कॉस्ट प्राइस पूछा है कि वन होल 3/4 केजी शुगर की कॉस्ट प्राइस कितनी होगी। तो पहले हम इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कॉस्ट ऑफ, इसको हमने सॉल्व किया, 3 × 2 = 5, 6 और 1 = 7, 7/2 केजी शुगर। तो 7/2 केजी शुगर की जो कॉस्ट आई वो भी यही रहेगी, है ना। इसको हमने बस मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर दिया। बेटा फ्रैक्शन तीन टाइप के होते हैं, मिक्स फ्रैक्शन, प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर होता है जिसमें न्यूमरेटर बड़ा होता है, ठीक है। प्रॉपर होता है जिसमें न्यूमरेटर छोटा होता है, एंड जो ऐसा दिखता है वो होता है, उसे बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन। तो यहाँ पर हम कॉस्ट ऑफ सबसे पहले 1 kg शुगर निकालेंगे। तो 1 kg शुगर की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी बेटा, मैंने आपको बताया अभी कि अगर मुझे यहाँ पर 1 kg बनाना है, देखो बेटा 1 kg शुगर, इसको दो तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहला जो सिंपल तरीका है, अगर मुझे यहाँ पे 1 kg बनाना है, तो ये जो 7 है इसको भेजो आप डिनोमिनेटर में, या फिर सीधा आप ना क्या करो, ये जो नंबर है इससे इसको डिवाइड कर दो, ठीक है। अगर मुझे 1 kg के चाहिए, जैसे आपने सुना होगा कि अगर 20 टॉफ़ीज़ की जो कॉस्ट है वो 100 थी, तो 1 टॉफ़ी की कॉस्ट मुझे निकालनी है, तो मैं क्या करूँगा, 100 को 20 से डिवाइड कर दूँगा। एक्चुअली में हम यहाँ भी तो यही कर रहे हैं कि कॉस्ट ऑफ 7/2 kg शुगर हमें गिवन था, तो 1 kg शुगर की मैं कॉस्ट निकालनी है, तो 119 को 7/2 से डिवाइड करूँगा। तो अभी आपको पता है क्या करना है, डिवाइड का मल्टीप्लाई में चेंज करना है, एंड जो पीछे वाली वैल्यू है उसको रेसिप्रोकल करना है, ठीक है। तो 7 से हमने काटा, 7 × 7 = 7, 7 × 7 = 7, 7 × 7 = 49 एंड 17 × 2 = 34। तो हमारे पास 1 kg शुगर की कॉस्ट आ चुकी है, डेट इज 34। एंड नाउ हमको निकालनी है कॉस्ट ऑफ 1 होल 3/4 kg शुगर। तो कॉस्ट ऑफ 1 होल 3/4 kg शुगर, इसकी हम कॉस्ट निकाल रहे हैं यहाँ पर, वो हो जाएगी हमारी 34 मल्टीप्लाई। देखो बेटा 1 टॉफ़ी की कॉस्ट आ गई है, अगर मुझे 10 टॉफ़ीज़ की कॉस्ट निकालनी है, तो 1 टॉफ़ी की जो भी मेरी कॉस्ट आई है उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 10 से। तो यहाँ भी हम सिमिलर प्रोसेस कर रहे हैं कि जो कॉस्ट ऑफ 1 kg आई है, अगर मुझे 1 होल 3/4 kg शुगर की कॉस्ट निकालनी है, तो मुझे 1 kg की जो भी कॉस्ट है उसकी इससे इनटू करनी है। इसको मैं सिंपलीफाई करके यहाँ लिख रहा हूँ, 4 × 4 एंड 4 + 3 = 7/4, ठीक है। यहाँ हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से काटा, 2 × 2 = 4, 2 = 17 एंड इसकी अगेन मैंने मल्टीप्लाई करी, तो 119, ठीक है, 2/2। और इसको चाहे तो आप मिक्स फ्रैक्शन में कर दो या फिर डेसिमल फॉर्म में, जैसे आपको सही लगे, ठीक है। तो इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ यहाँ पर, तो देखो मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं उसे भी हम समझ लेते हैं। 2 5 = 10 बचा 1 और इधर से 9, 2 9 = 18 और बचा हमारे पास रिमाइंडर 1। तो जिससे हम डिवाइड करते हैं वो हमारा डिनोमिनेटर में रहता है, और जिससे हमने मल्टीप्लाई किया मतलब जो हमारा क्वेश्चेंट है वो हमारा इस तरफ आ जाता है, एंड जो हमारा रिमाइंडर है वो चला जाता है ऊपर, ठीक। तो ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन है। तो हमारे पास कॉस्ट आ चुकी है, यही हमारा आंसर है, ठीक है। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 को, ये आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। आपको 30 seconds और देता हूँ मैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए। यस सर, हमने नोट कर लिया सर मैंने। ओके बेटा, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। अभी हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15 को, बहुत ध्यान से सुनना है, एक चीज़ इसकी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। बोला इन ए क्रिकेट मैच 2/9 ऑफ टिकट्स वर रिजर्व्ड एंड रिमेनिंग 3500 वर सोल्ड एट द काउंटर, हाउ मेनी सीट्स वर देयर इन ऑल। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से समझना है इसको। देखो बेटा, सपोज मैं आपको ना एक डायग्राम से इसको समझाता हूँ, ठीक है।
इस डायग्राम को समझो, ये हम ना उस क्रिकेट स्टेडियम की यहाँ पे सीट्स बनाने वाले हैं, ठीक है। जैसे ये फर्स्ट सीट, सेकेंड, थर्ड, इसको अगर हमने फिगर से समझाना तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, इसलिए मैं इसकी फिगर बना के समझा रहा हूँ आपको। कितनी सीट्स हो गई? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, एक सीट और बनानी है बस, ठीक है। 8, 9, तो आप देख रहे होंगे टोटल नंबर ऑफ सीट्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है, 8, एक सीट और बना देते हैं। ये लो, ये बन गई हमारी स्टेडियम्स की सारी सीटें, ठीक। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब बेटा देखो, इसने हमसे बोला था कि क्रिकेट मैच, यानी क्रिकेट मैच 2/9 ऑफ द टिकट्स वर रिजर्व्ड। इसका मतलब क्या हुआ, इस लाइन का मतलब क्या हुआ कि 2/9 टिकट रिजर्व थे। तो इस लाइन का मतलब बेटा यहाँ पे बहुत ध्यान से समझो, इसका मतलब ये था कि अगर 9 सीट्स थी तो उसमें से 2 सीट्स रिजर्व थी, ठीक है। इस लाइन का मतलब हुआ कि 9 सीट्स थी तो उसमें से 2 सीट्स रिजर्व थी, तो कितनी सीट अनरिजर्व हो गई? 9 में से 7 अनरिजर्व हो गई, है ना। इस लाइन का मतलब यही तो हुआ कि मैंने आपको बताया था ना, टोटल सेक्शन में से कितने सेक्शन रिजर्व थे? 2। तो टोटल सेक्शन है 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, उसमें से ये दोनों सीटें रिजर्व थी, तो कितनी रिजर्व नहीं हुई जो अनरिजर्व थी? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 सीट अनरिजर्व थी। तो अनरिजर्व सीट्स इसने हमको ऑलरेडी गिवन है, इसने बोला है कि जो बची हुई थी ना, एंड द रिमेनिंग 3500 वर सोल्ड एट द काउंटर, कि जो बची हुई सीट्स थी ना उनके जो टिकट्स हैं वो 3500 बेच दिए गए। तो कितनी सीट्स वहाँ पे थी? तो सबसे पहले तो हम लिखते हैं रिमेनिंग सीट्स, ठीक है, रिमेनिंग सीट्स। तो देखो रिमेनिंग सीट्स कैसे निकालना है, ये हमारे पास जो था रिजर्व सीट्स था, इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, जो ये पीछे हमने यहाँ रिजल्ट लिखा है इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं। तो ये हमारे पास जो थी वो थी रिजर्व सीट्स, ठीक है। तो बेटा हम लोग अगर रिमेनिंग सीट्स निकालेंगे तो हम क्या करते हैं, 1 में से इस रिजर्व सीट को, जितना भी ये रिजर्व्ड है या रिमेनिंग है, इसको सबट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। अगर देखो मुझे रिमेनिंग दिया होता, रिजर्व्ड पूछा होता, तो भी मैं 1 में से सबट्रैक्ट करूंगा, एंड मुझे अगर रिजर्व दिया है, रिमेनिंग पूछा है, तो भी 1 में से सबट्रैक्ट करूंगा। क्यों करता हूं मैं ऐसा, क्यों मैंने किया? मैंने अगर बोला बेटा टोटल सीट्स कितनी है, तो आप बोलोगे सर टोटल 9 सीट्स थी, और 9 में से अगर मैंने बोला सारे की सारी सीटें भर गई हैं, तो आप बोलोगे सर 9 में से 9 की 9 भर गई है, तो अगर मैं इसको 1 करूँगा, इसको डिवाइड करूँगा, तो कितना आएगा सॉल्व करने पे? 1, है ना। तो 1 यहाँ पे जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर देता है? वो करता है टोटल नंबर ऑफ फ्रैक्शन को, टोटल फ्रैक्शन। तो टोटल फ्रैक्शन में से 2/9 रिजर्व था, तो कितना रिजर्व नहीं है, तो 1 में से माइनस कर देंगे, ठीक। तो 1 में से इसको माइनस कर दो, एलसीएम लेंगे यहाँ पे, तो 1 और 9 का एलसीएम जो है वो कितना आ जाएगा? 9, है ना, इसके नीचे कुछ नहीं है 9, तो 1, और इसके न्यूमरेटर में 9 से इंटू, माइनस 2 इसके न्यूमरेटर में 1 से इंटू, ठीक। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 9 1s are 9 and 2 1s are 2/9, तो देखो ये भी वही चीज़ निकल के आ गई, 7/9। तो मैंने तो आपको बहुत ही सिंपल तरीके से पहले ही बता दिया था, अब ये जो है उसको हमने कैलकुलेटिव मेथड से कर लिया। तो अगर आपको सपोज बेटा कोई भी क्वेश्चन दिया है, आपको बोला है कि 3/4 सेक्शन भरा है, तो कितना सेक्शन नहीं भरा?
नीचे तो 4 आएगा है ना, 4 में से 3 भर गया तो कितना नहीं भरा है, 1/4 7 अपॉन 8 सेक्शन भर गया ठीक, तो कितना नहीं भरा, टोटल 8 सेक्शन में से 1 सेक्शन नहीं भरा, 6 अपॉन 9 सेक्शन भर गया है, तो इसका मतलब क्या है कि 9 में से 6 भर गया है तो 3 नहीं भरा, या फिर ये उल्टा उल्टा हम ले लेते हैं, इसका उल्टा 11 अपॉन 17 सेक्शन खाली है तो कितना भर गया है, 6 अपॉन 17 सेक्शन भर गया है। तो अभी आपको सबको क्लियर हो गया होगा है ना कि जितने भी सेक्शंस थे उसमें से जो भी भर गए हैं या रिमेनिंग है तो उसका उल्टा हमें निकालना है, तो जस्ट क्या कर दो, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके ऊपर लिख दो, 17 में से 11 या 6 है ना, या फिर ये सोच लो कि 11 में कितना और ऐड करें कि 17 आ जाए, तो 6 ऐड करेंगे, तो ये इस तरीके से आता है एक्चुअली। तो अभी हमारे पास रिमेनिंग सीट्स थी, वो उसका रेशियो आ चुका है, उसका फ्रैक्शन आ चुका है और रिमेनिंग सीट हमको ऑलरेडी गिवन है ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे टोटल सीट्स या टोटल नंबर ऑफ सीट्स, टोटल लेट कर लिया हमने, लेट टोटल नंबर ऑफ सीट्स ये हमने लेट किया, तो हमने ये लेट करके हमको दिया था x, अपनी तरफ से हमने ले लिया x, तो टोटल सीट का 7/9 जो है ना वो रिमेनिंग है ना, और वो हमें कितने के इक्वल गिवन है, 3500 के, तो x निकालना है यहाँ से, तो 3500, तो मैंने भी बताया था x के साथ ये बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई का ज्यूम करेंगे बेटा ठीक है, तो 7 चला जाता है फ्रैक्शन में या डिनोमिनेटर में एंड 9 चला जाता है न्यूमरेटर में, 7 से इसको हमने काटा 5 बार में कटा, तो टोटल नंबर ऑफ जो सीट्स थी वो थी 4500। आप सबको समझ में आया, किसी को कोई डाउट है? नो सर, ओके सर, कोई भी डाउट नहीं है सर, अच्छे से समझ में आ गया सबसे अच्छे से। ओके बेटा ठीक है, तो देखो हमने यहाँ पे क्या किया, टोटल नंबर ऑफ सीट हमने एक्स लेट कर ली, अभी ध्यान से सुनो एक बार, यहाँ से दोबारा सुनो, टोटल नंबर ऑफ सीट्स हमने एक्स लेट कर ली, अब इसने बोला था कि उसकी जो रिमेनिंग है वो 3500 है, तो टोटल का 7/9 या फिर हम यहाँ से लिख सकते हैं इसको, एक स्टेटमेंट और लिख देता हूँ यहाँ, 7/9 ऑफ टोटल इक्वल्स टू, ये हमको ऑलरेडी गिवन है 3500 के, रिमेनिंग हमें 3500 था ना, तो रिमेनिंग तो हमारा 7/9 आ गया, तो टोटल का 7/9 इक्वल्स टू 3500, ऑफ का मतलब होता है इनटू, तो यहाँ हमने नीचे अगले स्टेप में इनटू का साइन लगा दिया। नाउ अभी आपके सारे डाउट्स हमने यहाँ पे ले लिए हैं, अब हम अगले टर्न पे नेक्स्ट चैप्टर को करेंगे ठीक है। हाँ बेटा अभी आप बोल सकते हो, यू आर फ्री टू आस्क एनीथिंग। मीटिंग एक मिनट बचा है खत्म होने में, क्या फिर से रीजॉइन करनी है? नो बेटा, आई थिंक वी हैव डन ऑल द डाउट्स, ऑल द क्वेश्चंस ठीक है, तो वी डोंट नीड एनी अनदर क्लास फॉर दिस चैप्टर। इफ यू हैव एनी डाउट अदर देन दिस you can ask me on WhatsApp, on any other platform, you can directly call me, whatever medium you want to choose. Sir, my हाँ बेटा अभी मीटिंग, हाँ बेटा सर फिर रिसीव्ड मेरी को।